बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मैं हमदुल मिजर। आज एक न्यू वीडियो से बता दूँ तो आज की इस वीडियो में ये मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग लोगो लाइक अजय काजर टीवी जैसा कैसे बना सकते हैं। सो अगर आप लोगों को भी बनाना है वीडियो करते एंड तक देखिए, वीडियो की बार स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी लंबी जो है वीडियो हो सकती है। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एनी विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्ट इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर जो है प्ले स्टोर ओपन किया एंड देन यहाँ पर जो है सर्च आप लोगों ने कर लेना है पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे जो है पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैंने सिंपल इसे जो है ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद आप लोगों को न्यू टेस्ट दिखाई देगा, इसे जो है सबसे पहले आप लोगों ने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप लोगों ने इसका कलर जो है चेंज कर देना है, लाइक ब्लैक आप लोगों ने कर देना होगा। सो उसके बाद जो है इमेज साइज में आ जाइएगा एंड देन यहाँ पर 1000x1000 की जो है रेजोल्यूशन जो है ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है आप लोग के जो है लोगों के लिए होते हैं 1000x1000 एंड देन यहाँ पर से जो है आप लोगों ने आ जाने शेप्स प्लस के अगर क्लिक करके शेप्स ले लेना है एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने ट्राई एंगल जो है ले लेना है। तो ट्राई एंगल लेने के बाद आप लोग इसको जो है सबसे पहले डन कर दीजिए। डन करने के बाद फिर से जो है शेप्स में आ जाइए एंड देन यहाँ पर जो है फिर से आप लोगों ने वही शेप ले लेना है। और ये शेप लेने के बाद आप लोगों ने इसको जो है कलर आप लोगों ने जो है ब्लैक कर देना है। सो कलर ब्लैक करने के बाद आप लोग इसे जो है एडजस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा जो है आप लोगों ने नीचे इसे जो है कर देना है। सो नीचे करने के बाद मैं एक बार फिर से जो है इसको इसकी जो है पोजीशन सेट कर देता हूँ। रिलेटिव पोजीशन में जाइए एंड देन फिर से जो है पोजीशन आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा। सो इसको जो है लाइक 1 या 2 या जो भी आप लोग जो है इसे करना चाहते हैं कर दीजिए। पिक्सल्स 5 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर से जो है इसे नीचे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड देन फिर से जो है इसे जो है डन कर दूंगा। सो डन करने के बाद फिर से अगर आप लोग का जो है सेट नहीं आ रही तो इसे जो है सेट कर दीजिए एंड देन फिर से जो है सेव एज इमेज आप लोगों ने इसे कर देना है एंड देन इसे जो है आप लोगों ने अल्ट्रा में जो है इसे सेव कर देना है। तो अब आप लोग को जो है कुछ इस जगह पर क्लिक करके टिक के ऑप्शन पर नीचे वाले क्लिक कीजिए एंड देन जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लोगों ने जो है मार्ज राउंड फिर से जो है आप लोगों ने इन्हें जो है कर देना है एंड देन ओके के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद इसे जो है आप लोग रोटेट कर लीजिए कुछ इस तरीके से एंड देन यहाँ पर से जो है इसे ट्रांसफार्म आप लोगों ने कर लेना है अपने हिसाब से। तो थोड़ा सा जो है कुछ इस तरीके से जो है कर दीजिएगा एंड देन आप लोगों ने अब फिर सेव एज इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अल्ट्रा एंड देन सेव टू गैलरी आप लोगों ने इसे जो है कर देना है। तो अब आप लोगों ने जो है इसको जो है डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद फिर से जो है शेप्स में आ जाइएगा एंड देन अब आप लोग को सबसे नीचे आ जाइए एंड कुछ ये वाला जो है शेप आप लोगों ने ले लेना है। तो ये वाला शेप लेने के बाद इसे जो है आप लोग ट्रांसफार्म कर दीजिए। ट्रांसफार्म करने के बाद फिर से वही आप लोगों ने शेप ले लेना है एक जो अभी हम लोगों ने लाइक लिया था एंड देन अब आप लोगों ने इसका कलर जो है ब्लैक आप लोगों ने जो है कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसे जो है फिर से जो है ट्रांसफार्म कर दीजिए एंड देन थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा एंड ये जो है ठीक नहीं आ रहा है एंड देन फिर से जो है इसे जो है मैं रिलेटिव पोजीशन में जाता हूँ एंड देन इसे जो है दरमियान में कर लेता हूँ एंड देन अब आप लोगों ने जो है इसके पिक्सल 5 करके थोड़ा सा ऊपर आप लोगों ने इसे जो है कर देना है। तो ऊपर करने के बाद फिर से जो है इसे सेव एज इमेज के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करके अल्ट्रा एंड देन सेव टू गैलरी कर दीजिए। तो ये जो है गैलरी में सेव हो चुके हैं एंड देन फिर से जो है मैं आ जाता हूँ प्ले स्टोर में एंड देन यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर आप लोगों ने सर्च कर लेना है एंड देन यहाँ पर फर्स्ट वाली सबसे पहली जो है एप्लीकेशन है इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखे है एंड देन मैं जो इसे ओपन करता हूँ एंड देन लोड इमेज आप लोगों ने करना है एंड अब आप लोगों ने पिक्सल लैब से जो भी अपनी इमेज बनाई थी उन सबका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो वो बैकग्राउंड रिमूव बहुत ही आसानी से होगा। तो एक ही क्लिक पर होगा एंड देन डन के ऑप्शन पर ऑटो पर क्लिक कीजिए एंड देन ब्लैक को सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कीजिए एंड देन यहाँ पर से जो है 4 जो है एजेस जो है इसकी स्मूथ जो है कर दीजिएगा एंड देन नो थैंक्स। सो उसके बाद जो है फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पर मैं सारे जो है कर लेता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर से मैंने जो है पिक्सल लैब ओपन किया। तो इसका जो है टेक्स्ट आप लोगों ने डिलीट करना है, डिपे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप लोगों ने इमेज की साइज 1000x1000 जो है ले लेनी है, क्योंकि जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखे कि ये जो है लोगों की जो है साइज़ है। तो उसके बाद इसको लेने के बाद आप लोगों ने कलर में आ जाना है एंड फिर से आप लोगों ने ब्लैक इसका जो है कलर ले लेना होगा। सो उसके बाद प्लस के
आइकन और फिर से क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी। एंड अब आप लोगों ने इरेजर से जो भी अपनी जो है इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया था वो आप लोगों ने ले लेना है, और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड पोजिशन पर आ जाइएगा एंड देन जो है ओके आप लोगों ने जो है इसे कर देना होगा। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है फिर से फ्रॉम गैलरी में जाना है। अब आप लोगों ने कुछ ये वाली जो है इमेज ले लीजिएगा जो कि दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जो है बैकग्राउंड इरेजर वाली जो है सेव की थी। तो इसको लेने के बाद आप लोग इससे जो है एडजस्ट कुछ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रोक में आ जाइए, स्ट्रोक आप लोगों ने जो है फिर से ब्लैक लेनी है, लाइक आप लोगों ने रखनी है 5 तक इसकी विड्थ। तो उसके बाद जो है इससे भी जो है ओके कर दीजिए, तो ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर से हम लोग जो है आ जाते हैं शेप्स में, सॉरी सबसे पहले जो है इससे जो है लॉक कर दे ताकि हमारा जो है ये कहीं पर मूव वगैरह ना हो। तो उसके बाद जो है फिर से शेप्स में आ जाइए एंड इसका जो कलर आप लोगों ने जो ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और आप पहले सबसे पहले आप लोग नीचे से जो इसे एडजस्ट कर दीजिए एंड फिर से जो है कलर ले लीजिए ब्लैक का शेप और उसको कुछ इस जगह पर आप लोगों ने जो है एडजस्ट कर देना है। तो ठीक हो गया, साइड्स पर जो है एडजस्ट कर दीजिए अच्छे तरीके से आप लोगों ने एडजस्ट करना है ताकि आप लोग का जो है कोई मतलब के थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इतना गंदा जो है आप लोग का लोगो ना बने। तो इस तरीके से कर लेना है एंड देन फिर ऐसे इस साइड पर भी आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है। तो ये जो है एडजस्ट हो चुका, तो अब आप लोगों ने कुछ इस जगह पर जो है क्लिक कर देना है एंड देन टिक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड देन सबको जो है आप लोगों ने सेलेक्ट करके आप लोगों ने इन्हें जो है मार्च डाउन कर देना है। तो इससे जो है आप लोग की एक ही लेयर जो है देख सकते हैं बन चुकी है। सो अब आप लोग जो है इसे जो है बढ़ा सकते हैं, साइजेस की आप लोग बढ़ा लीजिएगा। सो साइज बढ़ाने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए फ्रॉम गैलरी एंड देन लास्ट आप लोगों ने जो है अपनी इमेज जो है बैकग्राउंड इरेजर वाली जो है ले लेनी है जो कि आप लोगों ने जिसका बैकग्राउंड इरेज किया था। तो उसके बाद जो है इसे जो है नीचे आप लोगों ने कुछ इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना है इमेज की साइज़ को छोटा करके। तो ये हो चुकी है, तो उसके बाद सेव एज इमेज आप लोगों ने कर देना है एंड अल्ट्रा में जो है इसे सेव कर देना है। तो ये जो है आप लोग का जो है लोगो जो है बन चुका है। तो इस तरीके से जो आप लोग लोगो ये जो है बना सकते हैं। और अगर आप लोग को जो है अपलोड करना नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जो है अपलोड भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद होगी, तो वीडियो ये पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।